नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo V20 Pro वर्सेस OnePlus 9RT का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो V20 Pro में 6.25 इंच जबकि 9RT में 6.39 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो V20 Pro में 2.92 इंच जबकि 9RT में 2.94 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो V20 Pro में 0.29 इंच जबकि 9RT में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि V20 Pro से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो V20 Pro में 170 ग्राम जबकि 9RT में 198.5 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि V20 Pro से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो V20 Pro में 6.44 इंचेस जबकि 9RT में 6.62 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो V20 Pro में 84.98% जबकि 9RT में 87.44% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो V20 Pro में 409 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 9RT में 398 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो V20 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और 9RT की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो V20 Pro में डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 9RT में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो V20 Pro में Adreno 620 जबकि 9RT में Adreno 660 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो V20 Pro में Qualcomm Snapdragon 765G और 9RT में Qualcomm Snapdragon 888 मिलता है। बात करें RAM की तो V20 Pro में 8GB की RAM मिलती है, जबकि 9RT में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो V20 Pro में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 9RT में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो V20 Pro में Android V10 क्यूट जबकि 9RT में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी V20 Pro में 4000 mAh जबकि 9RT में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो V20 Pro में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 29,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 9RT की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 42,999 रुपीस, 12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 46,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Vivo V20 Pro में 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें OnePlus 9RT की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में V20 Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 9RT आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 9 है, दूसरा Vivo X60 Pro है, तीसरा Vivo V21e 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi 11 Lite है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।